इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट के दूसरे दिन एक भी सेशन इंडिया के पक्ष में नहीं गया। दिन शुरू हुआ और भोजन से पहले सिराज भाई ने अपनी विकेट गवा दी, मगर राहुल भाई ने साउथ अफ्रीका के दह थप्पड़ लगाकर अपने टेस्ट करियर की 8वीं सेंचुरी पूरी कर ली, जिस वजह से इंडिया बना पाई पहली इनिंग में 245 रन। और फिर पहली इनिंग खेलने उतरी साउथ अफ्रीका तो सिराज भाई ने माकरम का एज लगवा दिया, मगर एल्गर और टोनी ने मिलकर स्कोर को लेकर भोजन के समय तक 49 रनों पर। अब भोजन के बाद जब तक प्रसिद्ध कृष्ण और शार्दुल बॉलिंग करते रहे तब तक इंतहा होगी, मगर दोनों में से किसी की विकेट ही नहीं आई। उल्टा पिटाई दोनों ने कर दी वो अलग, मगर जैसी कोहली भाई ने बेल्स के साथ थोड़ा सा टोटका किया और बुमराह भाई को वापस लाया गया, उन्होंने टोनी डिजोर्जी का एज लगवा दिया और फिर पीटरसन की भी डंडी गिरा दी, मगर डीन एल्गर ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और बेडिंगम के साथ मिलकर स्कोर को लेकर चाय के समय तक 194 रनों पर। अब चाय के बाद सिराज भाई ने बेडिंगम की विकेट निकाली, फिर बड़ी मुद्दतों से डेब्यूटेंट प्रसिद्ध कृष्णा को भी विकेट मिल गई, लेकिन खराब लाइटिंग की वजह से दूसरा दिन भी जल्दी हो गया खत्म। और दूसरा दिन खत्म करते हुए साउथ अफ्रीका ने ले ली 11 रनों की बढ़त।